इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन, ठीक है, जिसको हम लोग पीटीएफई भी बोलते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है पीटीएफई, दैट इज़ पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिन, और ये इसकी मोनोमर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब जब ये पॉलीमराइज होता है तो इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है सिंपल सा, और ये यूनिट क्या होती है, एंड टाइम्स आपस में कंबाइन होने लगती है। तो जब यही यूनिट इस फॉर्म में दिखने लगे हमको और एंड टाइम्स कंबाइन हो जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन। मतलब इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन है, बट पॉलीमराइजेशन के बाद ये यूनिट एंड टाइम्स ऐड हो जाती है, और जैसे ही ये एंड टाइम्स ऐड होगी इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन बोलते हैं। और टेफ्लॉन की कोटिंग वगैरह करते हैं सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस देने के लिए। तो जैसे हमने देखा हुआ है बाइक्स वगैरह पे टेफ्लॉन कोटिंग करते हैं, कार्स वगैरह पे, या फिर नॉन स्टिकी पैन वगैरह जो होते हैं उस पर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, और आजकल जो पेंट वगैरह यूज़ होते हैं उसमें भी टेफ्लॉन यूज़ करते हैं, ठीक है, डस्ट फ्री सरफेस के लिए।